शर टीवी व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो टिकटॉक के ऊपर है जो कि आजकल शादी का ट्रेंड चल रहा है। नदीम नानी वाला ने जो ट्रेंड शुरू किया था जब उसने डॉली फैशन को प्रपोज किया, तब से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ। फिर उसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाई जिसमें मैंने बताया कि ये सब फेक ड्रामा है। इनके पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा व्यूज़ और फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये फिर भी ज़्यादा व्यूज़ और फॉलोअर्स के लिए इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं। फिर उसके मेरी वीडियो बनाने के बाद कुछ और टिकटॉकर्स ने भी इसी बात को कहा और यही बात कही कि नदीम नानी वाला के पास कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए वो डॉली को लेकर वीडियोस बना रहा है। और उसने डॉली को लेकर जो जो भी वीडियोस बनाई हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं और उसको बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स भी मिले हैं। तो व्यूअर्स, अब जो है जैसे ही लोगों ने इसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी कि नदीम जो है वो फेक वीडियो बना रहा है, ना ही उसने किसी से शादी करनी है और ना ही डॉली ने उससे शादी करनी है, तो जब उसको पता चला कि अब ये बहुत से टिकटॉकर भी ये बात कहना शुरू हो गए हैं कि मेरे पास कंटेंट नहीं है और मैं फेक वीडियो बना रहा हूँ, तो अब उसने अपना टॉपिक चेंज कर दिया है और अब अपनी वीडियो में वो हीरा खान को ले आया है। अब वो कहता है कि डॉली, अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं करनी तो क्या ख्याल है, क्या मैं हीरा खान से शादी कर लूँ? हीरा खान ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने ये कहा था कि नदीम नानी वाला फेक वीडियो बना रहा है, उसने डॉली को दिल से प्रपोज़ नहीं किया तो ना ही डॉली से शादी करनी है, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड चलाने के लिए टिकटॉक के ऊपर वो इस तरह की वीडियोस बना रहा है। ये वीडियोस आने के बाद नदीम ने उसको रिप्लाई किया और कहा कि मैं डॉली को छोड़ देता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? वो वाली नदीम नानी वाला की वीडियो भी जो है वो बहुत दफ़ा देखी गई। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है टिकटॉक के ऊपर, जो नदीम नानी वाला ने चलाया है शादी के लिए, वो बिल्कुल ही फेक है। इतने ज़्यादा व्यूअर्स होने के बाद और फॉलोअर्स होने के बाद भी वो इस तरह की हरकतें कर रहा है ताकि उसको मज़ीद ज़्यादा व्यूअर्स और फॉलोअर्स मिले। बहुत से टिकटॉकर्स कह रहे हैं कि ये सब ड्रामा है। आज सुंबल खान ने भी एक वीडियो अपलोड की है, उसमें भी उसने यही कहा कि ये फेक ड्रामा चला रहा है ज़्यादा व्यूज़ और फॉलोअर्स लेने के लिए। तो व्यूअर्स, ना ही नदीम नानी वाला के प्रपोज़ में कोई सच्चाई है और ना ही डॉली जो है वो उससे शादी करने वाली है, ये सिर्फ़ और सिर्फ टिकटॉक का एक ड्रामा है। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो फैंस हैं उनके वो ये बात को समझें, क्योंकि वो वेट कर रहे होते हैं कि अब डॉली क्या रिप्लाई करेगी या नदीम नानी वाला क्या वीडियो बनाएगा। नदीम नानी वाला अपनी हर वीडियो में बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। आज की उसकी एक वीडियो देख के मुझे बहुत हंसी आई जिसमें वो कह रहा था कि सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि टिकटॉक को बंद किया जाए, तो उससे उसकी जो वोटिंग है डॉली की शादी की वो मुतासर होगी, इसलिए उसको पेंडिंग कर दिया जाता है। हालांकि इसका इस चीज़ से कोई तल्लुक नहीं है और सिंध हाई कोर्ट ने ऐलान ज़रूर किया है, लेकिन अभी तक जो है वो टिकटॉक ब्लॉक नहीं हुई। तो बात करने का मकसद ये है कि अपनी हर वीडियो में वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है और जो आवाम है वो भी उसकी बात को सच समझ के उसकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं और शेयर करते हैं। तो व्यूज़, आप खुद समझदार हैं, आप खुद उसकी वीडियोज़ देखें और देखें कितने ज़्यादा झूठ बोलता है। तो आप इतने ज़्यादा झूठ बोलने वाले बंदे को मेरी तो यही सजेशन है कि बिल्कुल सपोर्ट ना करें। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि जहाँ जिस पे इंटरटेनमेंट है, फ़नी क्लिप्स हैं, फ़नी सॉन्ग्स हैं या इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन भी है, इसलिए ये प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर एक बंदा झूठ पे झूठ बोल के फॉलोअर्स और व्यूज़ ले तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई हैं उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वह भी ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया व्यूज़।